की गई थी उसकी रिपोर्ट है, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसकी जो खबर लीक हुई है उसके तमाम पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और यही मुख्य सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि चीफ जो कमिश्नर हैं, चीफ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की ये मेन रिपोर्ट है, इसी को मुख्य रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसको संकलित किया गया है 11 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, 2500 तस्वीरों के आधार पर, और उसके अलावा तकरीबन जो ये रिपोर्ट है उसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिखा गया है कि लोहे के बाड़ से अंदर जाते हुए व्यास जी नाम से एक स्थित तहखाने पर हम पहुँचे, जिसके ठीक सामने नंदी जी विराजमान थे, और फिर इस व्यास जी का जो तहखाना जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में लिखा गया है कि इसमें चार पत्थर पुराने खंभे हैं और एकदम दक्षिणी दरवाजे के बगल में कई जगह कायम हैं और पुराने दरवाजे पर एकदम नई ईंटों सहित नया मलवा पड़ा हुआ है। अब इसमें यह भी लिखा गया है कि इस व्यास जी के तहखाने के अंदर जब टीम पहुंचती है, जब हम पहुंचे, उन्होंने लिखा है कि जिस तहखाने में हम पहुंचे उस जमीन पर गीली मिट्टी थी, उस पर बांस बल्ली पड़ी हुई थी, उसमें मुख्य रूप से पाई गई जो सामग्री थी उसमें यह कहा गया है त्रिशूल के चिन्ह उसमें दूसरे खंभे पर चिन्हित थे, त्रिशूल के चिन्ह पाए गए, साथ साथ दक्षिणी पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ मिला है, यानी कि त्रिशूल के चिन्ह नंबर 1, स्वास्तिक का निशान नंबर 2, और इसके अलावा काफ़ी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। यानी 3 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह, दूसरा यहाँ पर त्रिशूल के निशान, तीसरा एक खंभे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिनमें शब्द भी है वो खुदा हुआ है, और अंदर की दीवार में पूरब दक्षिण कोने पर ऊपरी काफ़ी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है, ये नीचे की जमीन गीली है, तहखाने के चारों तरफ दरवाजे के स्थान को कई नए ईंटों से जी तहखाने में कमल एक त्रिशूल चार डमरू के निशान जो आप बता रहे हैं अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस पूरी रिपोर्ट का। विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विशाल, आप लगातार वाराणसी में रहे हैं, आपने इलेक्शन के दौरान भी वहां से कई सारी चीजें की हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है ये फाइनल रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट यही है। देखिए बिल्कुल, ये विशाल सिंह जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर इस मामले में नियुक्त थे, उनकी तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है, और इस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर जब लोगों ने दक्षिण पश्चिम की तरफ देखा तो वहाँ पर 8 फुट नीचे शंकुकाकार कॉनिकल शिखर गुना आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट, व्यास लगभग 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार लगभग 2.5 फीट की मोटी, यानी ये शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कई जो मंदिर की कलाकृतियाँ हैं वो अलग अलग दीवारों पर देखने को मिली हैं, कहीं स्वास्तिक के निशान हैं, कहीं कमल के निशान हैं। साथ में यह इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मुख्य गुंबद जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर भी इन्हें कुछ चीज़ें दिखाई दी हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे जो एक रिपोर्ट हम लोग को मिली है, जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, खास तौर पर मंदिर की आकृतियों की चीज़ों का इसमें बताया गया है। त्रिशूल के बारे में लिखा गया है कि कुछ कोनों में दीवार के स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की कई आकृतियाँ मिली हैं, जो अगल बगल पेंट कर दिया गया है, और इसमें डमरू के निशान भी कई जगह पर बने हुए इस परिसर में मिले हैं। इसके अलावा मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर स्वास्तिक के निशान कायम हैं। स्टोर रूम मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने पर करीब 8x10 फीट का है, जिसके दरवाजे में सिर्फ एक लॉक लगा हुआ है। इस तरह से अगर हम व्यास जी के कमरे की बात करें जो पूरब और दक्षिण में आता है, वहां पर व्यास जी के कमरे में जब सभी पक्षगण ये लोग पहुंचे तो वहां की मिट्टी काफी गीली थी, पत्थरों से दरवाजा बंद था और दरवाजा लगा हुआ है, हालांकि उसके अंदर शायद ये टीम नहीं जा पाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस शिवलिंग की बात की जा रही है लगातार, अगर उस क्षेत्र की हम बात करें जहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग को देखा है, उसमें जो वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी हैं, जब वो वहां पर पहुंचे वजू करने के स्थान पर तो उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे
कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए यह बताया है कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है, पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए तीन तरफ 10-10 टोटियां अर्थात कुल 30 टोटी लगी हुई है। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो हैं सुनील वर्मा भी वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा और भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर जब अपने हाथों से इन लोगों ने टटोला तो वहां पर गोल पत्थर नुमा की आकृति इन लोगों को पता चला। इसके बाद जब वहां पर पानी जो भरा हुआ था उसे हटवाने का काम शुरू किया गया और जो गोलाकार पत्थर के बारे में पुष्टिकरण करना समय कम होने के कारण ये उसकी पुष्टि सही तरीके से नहीं कर पाए, उस दिन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अगले दिन यानी 16 मई को जब ये जो सर्वे की टीम होती है वो मौके पर पहुंचती है तब वहां पर इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा वहां पर इस सर्वे की टीम ने देखा। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट लाइन आपको पढ़कर बताऊं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिनांक 16 मई 2022 को जो वादी और प्रतिवादीगढ़ पक्ष विपक्ष और तमाम वकील थे जब वो सुबह 8 बजे कार्यवाही के लिए 16 मई को ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे तो सभी लोग उपस्थित होकर मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी पर पहुंचे और पूरब दिशा में जो वजू खाना है लोहे की जाली में तीन तरफ से बंद था उस जगह पर पहुंचे और पक्ष के जो अधिवक्ता थे वादीगढ़ शिवलिंग जो अधिवक्ता थे कमीशन की कार्रवाई के दौरान उन लोगों ने कमिश्नर का ध्यान इस तरफ बताया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। इसे जी न्यूज ने सबसे पहले यह बताया था कि काशी विश्वनाथ परिसर में नंदी जी से इस शिवलिंग के स्थान की जहां पर दावा किया गया है इस सर्वे रिपोर्ट में भी उसकी दूरी 83 फीट है, ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। तब उसके बाद पानी के कुंड के बीचों बीच गोलाकार कुएं की के जगत जैसी जगह के बीच में पत्थर वहां पर मौजूद है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है और इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट हैं उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को इसके बारे में जानकारी दी कि ये शिवलिंग है जो कि नंदी से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर मौजूद है। इसके बाद जो आगे की कार्यवाही होती है अंदर 16 मई को कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के एक कर्मचारी को सीढ़ी लगाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर उनसे सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो दिखाई पड़ी, यानी जो वायरल वीडियो में पत्थर देखा जा सकता है जिससे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो उसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट इस कमीशन को दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया और इस दौरान जो कमीशन की कार्रवाई थी उन्हें पक्ष जो वादी पक्ष के जो वकील थे इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे और इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और इस रिपोर्ट में वो तमाम फोटो और वीडियो कोर्ट में सबमिट किया गया है। इस दौरान जो प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद वहाँ पर मौजूद थे जब उनसे ये पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने बताया ये फव्वारा है और उनसे ये भी पूछा गया फव्वारा कब से बंद है तो बोले काफ़ी समय से बंद है, फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, बाद में उन्होंने बताया कि ये 12 वर्ष से बंद है। इसके बाद जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उनके द्वारा कहा गया कि कमीशन को फव्वारा चालू करके दिखाया जाए। ठीक है विशाल, ये सारी बातें जो विस्तार से इस रिपोर्ट में दी गई हैं वो आपने बताई, लेकिन अमित प्रकाश भी मेरे साथ है। अमित प्रकाश, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए उस पर फाइनल सुनवाई वो कल करता है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जो बातें निकलकर आई हैं उससे आपको क्या लगता है कि ये तो शुरुआती सर्वे था, प्राइमरी स्टेज थी और इसमें कहते हैं कि विजुअलाइजेशन जो होता है आंखों देखी वो बयां किया जाता है, तो ये कितना बड़ा साक्ष्य होगा इस पूरे केस में आगे के लिए?
देखिए पायोधी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो संकेत इस रिपोर्ट से मिल रहे हैं जो विशाल बता रहे थे, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें जिक्र हैं उसको पढ़ देता हूं, जो साफ संकेत दे रहे हैं जिसकी बात लगातार हो रही है। पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया और 33/33 फुट निकला उसके बीच सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। इसके बीच उसका व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 10 फुट 10 इंच था। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। ये उसी जो हम लोग लगातार जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ से हमने ये तमाम डिटेल्स निकाली हैं सूत्रों के हिसाब से, उसकी इसके टॉप पर लगभग 9x9 इंच गोलाकार सफ़ेद पत्थर अलग से लगा हुआ था जिस पर बीच से खाचे पाश दिशाओं में बने हुए थे। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी जिसकी सतह पर अलग अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ जो थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ मिला। यानी कि ये उसी शिवलिंग की बात हो रही है पायोधी, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ जिस रिपोर्ट की एग्जर्प्ट जिसके रशेज हमें मिले हैं अभी और उसके मैं तमाम पॉइंट जो हमने नोट किए हैं वही बता रहा हूँ। ये उसी शिवलिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो व्यास तहखाने के नीचे जो आकृति मिली है वो किस प्रकार की थी, उस पर किस प्रकार का घोल चढ़ा हुआ था, वो चटका हुआ था, वो टूटा हुआ था और साथ साथ इसमें इसके पानी में इसके डूबे रहने के कारण इस पर काई भी जमी हुई थी। ये लिखा हुआ है कि उसमें जिस लेवल तक जिस ऊंचाई तक ये पानी में डूबा हुआ था, यानी कि उस शिवलिंग की बात हो रही है, जो शिवलिंग जिसके बारे में ये बात कही जा रही है वो पानी में डूबा हुआ था और उसकी वजह से उस पर लगातार काई जमी हुई भी पाई गई वादीग्रहण द्वारा। इसके अलावा इसमें एक मैप भी अटैच किया गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम हमने वीडियोग्राफी कराई, तमाम फोटोग्राफ्स अंदर से लिए गए और इस अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग भी की गई टीम द्वारा। और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है अमित प्रकाश, आएंगे आपके पास जी न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर सीधे वाराणसी से रविदास घाट पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है। ग्राउंड पर क्या सेंस है क्योंकि ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक तरफ लीगल बैटल है, दूसरी तरफ सियासी अखाड़ा ये बनी हुई है और आज तो ये पूरा मामला मथुरा तक पहुंचा है। तफसील से इस पर बात करेंगे लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दूसरी सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है और इस सर्वे रिपोर्ट में सफेद पत्थर का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि आप मेरे सहयोगी अमित प्रकाश को इस वक्त कहते हुए सुन रहे थे। आकृतियों की बात की जा रही है, त्रिशूल और डमरू जैसी आकृतियों की बात इस पे की जा रही है, ये गोलाकार पत्थर है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि बेसमेंट में ये सर्वे रिपोर्ट में ऐसा है ये दावा किया जा रहा है, बेसमेंट में कुएं का जिक्र है ये रिपोर्ट में, जिक्र इस बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है इस तरह का दावा, और साथ ही पानी कम होने पर ये जो आकृति है ये दिखाई दी है। तो लगातार वजू खाने में कि जो आकृति मिली जिसे हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग, जिसे संरक्षित करने की बात लोअर कोर्ट ने की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा अपने डायरेक्शंस में, उसी को लेकर एक के बाद एक कई रिवेलेशंस इस सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से, जिसे आप दूसरी सर्वे रिपोर्ट इस लिहाज से कह सकते हैं कि 6 से 7 की तारीख वाली जो रिपोर्ट थी, अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई थी, अब जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हवाले से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं, अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते किसी तरह के स्पेक्यूलेशन में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जिन्होंने जी न्यूज का ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, आप जल्दी से उन्हें बताएं कि जिस गोलाकार आकृति का जिक्र किया जा रहा है और जिसे जिसके शिवलिंग होने की ही बात या दावा किया जा रहा है उसे लेकर इस रिपोर्ट के हवाले से आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है नंदी से 83 फुट 3 इंच की दूरी पर ये शिवलिंग जो हिंदू पक्ष ने दावा किया उसके बारे में भी